एक बार फिर से स्वागत है आज का आपके नए वीडियो में। तो इसके अगले वीडियो में हमने 40 चेस्ट साइज के हिसाब से शोल्डर कटिंग देखा था, ये वीडियो में 42 चेस्ट साइज के हिसाब से शोल्डर कटिंग देखेंगे। आज हम 4 इंच से लेकर 10 इंच के गले तक की शोल्डर कटिंग की वीडियो देखेंगे, जिसमें हमारी चेस्ट साइज रहेगी वो रहेगी 42 इंच, और हम आगे 44 चेस्ट साइज का भी वीडियो बहुत जल्द देखेंगे। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक ड्राफ्ट तैयार कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर 42 चेस्ट साइज में जो हमारा शोल्डर रहेगा वो करीबन हमारा 16.5 इंच रख देते हैं। चलिए यहाँ पर आपका कोई भी शोल्डर आ सकता है, तो यहाँ पर हम 16.5 इंच शोल्डर रख देते हैं। और यहाँ पर पीछे हमारा गला रहेगा 4, 6, 8 और 10 इंच। यहाँ पे हम गला इसके हिसाब से हमारा जो शोल्डर रहेगा वो सब में अलग अलग शोल्डर रहेगा। तो यहाँ पे वही मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले 4 इंच गला हो तो हम शोल्डर कितना रखेंगे वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो जब भी हमारे पीछे का गला 4 इंच रहेगा तो इसमें हमारा शोल्डर है वो हमें पूरा ही रखना पड़ेगा। आपका जितना उतना पूरा ही रख दीजिए। यहाँ पर हमारा 16.5 है तो हम 16.5 पूरा रखेंगे। ये 2 लेयर है तो यहाँ पर 8.25 हो जाएगा। तो एक मार्किंग हम 8.25 पे लगाएंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लगा देंगे। गले की ब्रॉडनेस आप अपने कस्टमर के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक गले की ब्रॉडनेस का मार्किंग लगा देंगे और फिर यहाँ पर देखिए कंधे 1/2 इंच कंधे डाउन करेंगे मुंडे की तरफ ताकि शोल्डर उतरे नहीं। ये एक आपको खास ध्यान रखना है। और उसके बाद हम गला और मुंडे का मार्किंग कर देंगे, आर्म होल का मार्किंग जिसे हम मुंडा भी बोलते हैं। तो ये चेंजेस हमें करना पड़ेगा। इतना हमारा हो जाने के बाद अभी हम देखेंगे हमारा पीछे का गला 6 इंच रहेगा तो हम क्या चेंजेस करेंगे। जब हमारा पीछे का गला 6 इंच रहेगा तो इसमें हमारा शोल्डर आएगा वो करीबन हमारा 14.5 इंच आएगा। यहाँ पर 2 इंच माइनस हो जाएगा क्योंकि गला थोड़ा डीप हो गया इसके लिए। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर एक मार्किंग लगा देंगे क्योंकि हमारा 2 लेयर है। तो और दूसरा मार्किंग हम गले की ब्रॉडनेस अपने कस्टमर के हिसाब से लगा देंगे। और यहाँ पर भी हमें 1/2 इंच शोल्डर कंधे डाउन आर्म होल की साइड करना है। ये चेंजेस आपको करना ही पड़ेगा ताकि फिटिंग अच्छी आए। और उसके बाद हम फिर गले का मार्किंग और आर्म होल का मार्किंग कर देंगे। गला आप अपने हिसाब से कोई भी दे सकते हैं। ये हमारा इतना हो जाने के बाद अभी हमारा पीछे का गला 8 इंच रहेगा तो हम क्या चेंजेस करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इसमें हमारा जो शोल्डर आएगा वो करीबन आएगा 12 इंच, 12.5 इंच, 12 इंच भी रख सकते हैं आप। यहाँ पर 12.5 रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर 2 लेयर है तो 12.5 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो करीबन आएगा 6.25 इंच। तो एक मार्किंग हम 6.25 इंच पर रखेंगे और यहाँ पर गले की ब्रॉडनेस दे देंगे। और यहाँ पर हम कोई भी कंधे डाउन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इसमें हमारा चल जाएगा 8 इंच गला है इसके लिए। और फिर हम गले का और आर्म होल का मार्किंग कर देंगे। गला आप कोई भी गोल चोरस दे सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे 10 इंच गला हो तो हम क्या करेंगे। तो जब भी हमारा पीछे का गला 10 इंच रहेगा तो यहाँ पर हमारा शोल्डर रहेगा वो करीबन हमारा 11 या 11.5 भी आप रख सकते हैं, 11.5 रख सकते हैं। यहाँ पर 4 इंच शोल्डर माइनस हो जाएगा क्योंकि हमारा एक गला है वो खुलेगा ब्रॉड होएगा इसके लिए। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच पर मार्किंग कर देंगे तो ये हमारा 11.5 हो जाएगा। और दूसरा मार्किंग हम गले की ब्रॉडनेस दे देंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से उल्टा क्रॉस देना है। जब भी हम 6 इंच में देते थे क्रॉस और 4 इंच में देते थे वैसा नहीं बल्कि इस तरीके से उल्टा क्रॉस देना है। और फिर हमें गले की ब्रॉडनेस और आर्म होल कटिंग करना है। ये बात आप खास ध्यान रखना, यही बात मैंने आपको समझानी थी। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो। आप शायद आप नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। और इसके अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं 44 चेस्ट साइज के हिसाब से शोल्डर कटिंग। ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा 44 शोल्डर में। फिर हम आगे और भी वीडियो में देखेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।